ये कहानी नहीं है, असम राज्य में छिपा झाड़। अपनी ही लिखी कविता सुना रही हैं रंगीला मेधी, जो कुछ ही अरसे पहले तो निरक्षर थी, क्योंकि रंगीला पर छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, घर के काम और कमाई में हाथ बटाना था। अकेले में कभी कविताएं गढ़ती पर कागज पर उतार न पाती, मन मसोस के रह जाती। उम्र बढ़ रही थी, उसने एक निर्णय लिया और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने उत्साह बढ़ाया, भरपूर मदद की। अक्षर और शब्दों से पहचान क्या हुई, मन की भावनाएं कविताएं बनी। आत्मविश्वास बढ़ा तो तीज त्योहारों पर भी गाती। जल्द ही उसकी कविताओं की पुस्तक छपी, दुनिया में नव साक्षर की पहली कविता की पुस्तक। पढ़ना लिखना सीख लिया तो जिंदगी को जीत लिया। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। असम राज्य में छिपा झाड़। अपनी ही लिखी कविता सुना रही हैं रंगीला मेधी, जो कुछ ही अरसे पहले तो निरक्षर थीं, पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने उसका उत्साह बढ़ाया, भरपूर मदद की। अक्षर और शब्दों से पहचान क्या हुई, मन की भावनाएं कविता बनी। जल्द ही उसकी कविताओं की पुस्तक छपी, दुनिया में नव साक्षर की पहली कविता की पुस्तक। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।